एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूं आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं अमेज़न फैशन हॉल। इसमें जो मैं आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाने वाली हूं वो है फैशन से रिलेटेड, जिसमें है साड़ियां। इस बार मैंने सिर्फ और सिर्फ साड़ियां ही परचेज की हैं, तो एक एक करके मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस गाइज, ये है साड़ियां जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, और एक एक करके मैं आपको इसकी सारी डिटेल भी दूंगी। पहली है ये वाली साड़ी, और उसमें ग्रीन कलर, ये है ऑरेंज कलर की साड़ी और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन के, ऑरेंज और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन के साथ इस साड़ी को बनाया गया है। इसमें थ्रेड वर्क हो रखा है, तो फटाफट से मैं आपको स्टार्ट ये ओपन करके दिखाती हूँ। इस साड़ी को देखने पर ऐसा फील आता है कि जयपुर स्टाइल जो साड़ियां होती है ना, वो वाला फील आता है। तो यहां से शुरू होता है इसका पल्ला, एंड पल्ले पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा ब्लू कलर का और ऑरेंज कलर का, ऊपर की तरफ है पूरा पल्ला आपको थ्रेड से फिल होगा, मतलब पूरे के पूरे पल्ले पर थ्रेड से वर्क किया गया है। स्क्वायर बॉक्सेस बनाए गए हैं, साथ में इसमें दिया जा रहा है मिरर। मिरर को इसमें पेस्ट किया गया है, स्टिच नहीं है। मैं इसीलिए कह रही हूं कि जब आप इसको वॉश करेंगे तो अच्छे से डेलिकेटली तरीके से इसको वॉश करना, अदरवाइज ये जो मिरर इसमें पेस्ट हुए हैं वो निकल जाएंगे। बॉर्डर आप देख सकते हैं इतनी चौड़ी बॉर्डर का यूज किया गया है, एंड स्क्वायर बॉक्सेस को इसमें डिजाइन किया गया है, थ्रेड से इस पे वर्क किया गया है। ऑल ओवर साड़ी बहुत प्यारी है, तो आप अगर इनमें से कोई भी साड़ी लेना चाहते हैं ना, तो इनका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होता है प्लीट्स वाला पार्ट, एंड नीचे की तरफ बहुत ज्यादा हैवी वर्क नहीं हो रखा है, लेकिन यस हम कह सकते हैं कि ये जो साड़ी है इसमें जितना थ्रेड वर्क यूज किया गया ना, उसके अकॉर्डिंग ये साड़ी बहुत प्रिटी, एंड ऑल्सो इसमें जो फिटिंग है वो भी बड़ी प्यारी आती है। सो यस, यहाँ पे होता है ये, यहाँ पर ये साड़ी हो जाती है खत्म, और इसके बाद ये है जो फर्स्ट पार्ट जो पोर्शन होता है वो वाला पोर्शन। ओके, ये है इसका ब्लाउज जिसे मैंने स्टिच करवा दिया है ऑलरेडी, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा ड्रेपिंग का काम है, तो मुझे फटाफट से साड़ियों के ब्लाउज मिलने जरूरी है। सो यस गाइस, इसको मैंने स्टिच करवा लिया है, और ये बैक हुक वाला स्टिच करवाया है, और जो ब्लाउज है इसका फैब्रिक है बेंगलोरी सिल्क का। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट साड़ी, और ये जो साड़ी है मुझे इतनी पसंद आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ब्लैक कलर की साड़ी, एंड इस पे आप वर्क देख सकते हो कितना प्यारा वर्क हो रखा है, थ्रेड वर्क है, प्लस में इसमें स्टोन्स पेस्ट नहीं किए गए हैं, इसमें नगों का यूज किया गया है। तो मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ। तो यहां से शुरू होता है पल्ला, और पल्ले पे आप देख सकते हैं कितने बारीकी से वर्क हो रखा है, प्लस में कट वर्क का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये पल्ला यहाँ से स्टार्ट होता है, एंड इसके बाद शुरू होती है प्लीट्स, एंड नीचे की तरफ आप देख सकते हैं बहुत हैवी नहीं है। ओके, बाय द वे साड़ी का जो कलर है वो ब्लैक कलर का है, एंड इस पे जो साड़ी का जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है, बहुत रफ वाला जॉर्जेट नहीं है, सॉफ्ट वाले जॉर्जेट का यूज किया गया है। ओके, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ भी कटवर्क मिल जाता है आपको, और बीच बीच में बूटियों का यूज किया गया है। साड़ी में जो कलर यूज किया गया है वो गोल्डन कलर के थ्रेड का भी यूज किया गया है, और पिंक कलर और स्काई कलर के थ्रेड का यूज किया गया है। ऑल ओवर साड़ी रात में बड़ी प्रिटी लगती है, और इसके साथ अगर इस साड़ी को अगर आप पहनते हैं ना, तो इसमें भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। सीरियसली बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको ये साड़ी मिलती है। तो यहाँ पे खत्म हो जाती है साड़ी, और इसके बाद मैं आपको इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ। ब्लाउज आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको फुली वर्क मिल जाएगा, बैक साइड पे मैंने हुक लगवा लिए हैं, डीप नेक है, और ये भी इस ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो भी बेंगलोरी सिल्क ही है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, और ये है शिफॉन साड़ी। साड़ी इतनी प्यारी है, बहुत हल्की है, और इसमें यूज किया गया है बीट्स का। ठीक है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। ओके, तो यहां से शुरू होता है इसका पल्ला, एंड आप देख सकते हैं साड़ी शिफॉन की है, साथ में इसमें बीट्स का यूज किया गया है जो कि पीछे की तरफ से लॉक है। तो अगर आप इसको वॉश करते हो ना, तो उस टाइम पर ये बिल्कुल भी हटने वाली नहीं है। तो यस, आप आराम से इसको बिना किसी टेंशन के वॉश कर सकते हैं। साथ में इसमें बॉर्डर की जगह रिबन्स का यूज किया गया है, जो हम बालों में रिबन यूज करते हैं ना, वो वाले रिबन का यूज किया गया है जो कि चौड़ा वाला है। ठीक है, नेवी ब्लू साड़ी का कलर है, एंड आप देख सकते हैं ऑल ओवर साड़ी बहुत ही हल्की है, लाइट वेटेड साड़ी है। इसमें भी फिटिंग आपको बहुत प्रिटी मिलेगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है, तो ऑल ओवर आप साड़ी देख सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो शोल्डर वाला एरिया है वहां पर इस तरीके का मोतियों का यूज किया गया है, ठीक है। सो ऑल ओवर साड़ी बहुत ही अच्छी है और आप देख सकते हैं कि ये जो साड़ी है ना, इसमें जो मोतियों का यूज किया गया है वो बहुत ज्यादा, बहुत गजर मजर टाइप का यूज नहीं किया गया है, कहीं कहीं यूज किया जिससे साड़ी का जो लुक है ना बहुत डिसेंट हो जाता है। अब है प्लीट्स वाला पार्ट एंड आप देख सकते हैं कि जो मोतियां हैं वो बहुत अच्छे से सेट हो रखी हैं, बहुत ज्यादा हेवी मोतियों का यूज नहीं किया गया है, नीचे की तरफ लेस का यूज किया गया है। एंड ऑल्सो आप देख सकते हैं ये जो पूरी की पूरी प्लीट्स वाला एरिया है ना, वो बिल्कुल इसी तरीके से मैनेज किया गया है मोतियों के थ्रू, इससे साड़ी का जो लुक है वो बहुत प्यारा आता है एंड साड़ी भी बहुत प्रिटी लगती है। तो यहाँ पर खत्म हो जाती है साड़ी एंड साड़ी का जो ब्लाउज है वो ऑल्सो नेवी ब्लू कलर का ही इसके साथ मिलता है, जो कि बेंगलोरी सिल्क वाला है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट साड़ी एंड ये जो साड़ी है ना, इसमें इतनी प्रिटी फिनिशिंग आती है, इतनी प्रिटी फिटिंग आती है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। बताने से पहले आप लोगों को मैं ये साड़ी दिखा देती हूँ। तो गाइस, यहां से शुरू होता है इसका पल्ला। साड़ी बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, बीच में किसी भी पैच का और किसी भी वर्क का यूज नहीं किया गया है, बट जो पूरी की पूरी साड़ी है उस पे बॉर्डर का यूज किया गया है। एंड यू कैन सी ये जो बॉर्डर है व्हाइट कलर का होने के कारण ये इसको और अच्छे से डिफाइन कर दे रहा है। साड़ी का कलर है वाइन कलर का एंड साड़ी का जो फैब्रिक है वो बेंगलोरी सिल्क है, बट बहुत ज्यादा हार्ड वाला वो फैब्रिक नहीं है जो आपको चुभने वाला है, वैसा नहीं है, लेकिन यस साड़ी का फैब्रिक जो है वो बहुत सॉफ्ट वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑल ओवर साड़ी है ये बहुत प्यारी लगती है पहनने के बाद। आप एक गर्ल हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ही क्यूट से लगो साड़ी पहनने के बाद भी, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस साड़ी, क्योंकि ये साड़ी पहनने के बाद ना आपके ऊपर जो लुक आता है वो बहुत प्यारा आता है। ओके, तो यहाँ खत्म हो जाता है इसका पल्ला एंड इसके बाद नीचे की तरफ से अब इसके बाद शुरू होता है इसका प्लीट्स वाला पार्ट। एंड आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वर्क यूज नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ ये जो साड़ी है वो बॉर्डर बेस्ड साड़ी है जिसमें बॉर्डर में भी व्हाइट कलर के ही थ्रेड का यूज किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी प्लीट्स वाला ही एरिया चल रहा है। ओके, एंड ये नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं, इस साड़ी के साथ आपको मिल जाता है व्हाइट कलर का ब्लाउज जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी सिलवा सकते हैं एंड जो ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो शाइनेबल वाला है, ठीक है। तो ऑल ओवर साड़ी बहुत प्रिटी है, साड़ी का कलर वाइन कलर है एंड फुल लेंथ साड़ी आपको ये मिल जाती है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एंड लास्ट साड़ी जो कि ये है, और ये जो साड़ी है ना इसमें फिटिंग तो बहुत अच्छी आती है, बट एक चीज की मुझे कमी लगती है, इसके अंदर पिन जो होती है वो इंसर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो साड़ी है ना ये लाइक्रा फैब्रिक वाली साड़ी है। तो मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो गाइज, नाउ यू कैन सी ये जो साड़ी है आप देख सकते हैं इस पर फॉइल प्रिंट का यूज किया गया है एंड लास्ट में जो पल्ला है पल्ले के एंड पर आपको टसल्स मिल जाते हैं, ठीक है। इससे ये साड़ी बड़ी प्यारी लग रही है और जो बॉर्डर है बॉर्डर के लिए इन्होंने यूज किया है ब्लैक कलर के थ्रेड वाले बॉर्डर का। ओके, एंड ये जो लेस है ना ये भी काफी सही लग रही है, डिसेंट सी लग रही है। पूरी की पूरी साड़ी पे फॉइल का यूज किया गया है, फॉइल प्रिंट का यूज किया गया एक्चुअली, और आप देख सकते हैं ये साड़ी ऑल ओवर एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है। प्रिंट यहाँ पर ये पल्ला वाला पार्ट होता है खत्म और अब शुरू होता है प्लीट्स वाला पार्ट। एंड आप देख सकते हैं मैं आपको पूरी साड़ी दिखा रही हूँ, पूरी की पूरी साड़ी पर इसी तरीके का फॉइल पेपर का फॉइल प्रिंट का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी साड़ी आपको ऑल ओवर ऐसी ही मिल जाएगी। और एंड मैंने इसका ब्लाउज इससे डिटैच नहीं किया है और ये है इस साड़ी का ब्लाउज, ठीक है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो साड़ी में बॉर्डर दिया गया है ना ब्लैक कलर का, बिल्कुल उसी को यूज किया गया है। तो यस गाइज, इस साड़ी का जो ब्लाउज है उसका फैब्रिक भी आपको बेंगलोरी सिल्क ही मिल जाता है। आजकल जितनी भी साड़ी आ रही है इन सभी के ब्लाउज आपको बेंगलोरी सिल्क में ही मिलेंगे, ठीक है। ओके, सो यस गाइज, ये थी साड़ियां जो कि मैंने अमेजोन से परचेज की है। इन सभी के बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए आई होप आप लोगों को साड़ियां पसंद आई होगी। इसमें से आपको सबसे ज्यादा कौन सी पसंद आई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।